आगे कीजिए। प्रश्न का पहला हिस्सा था, ठीक है, प्रश्न का पहला हिस्सा क्या था, पहले तो भौतिक क्षेत्रों में विभाजन, ठीक है, भौतिक क्षेत्रों में विभाजन, पहला हिस्सा तो ये था विभाजन करना है, ठीक। फिर दूसरा था इसमें आपको भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताओं को बताना है, ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताओं को बताना है। अब देखो विभाजन करने को केवल बोल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप विशेषताएं लिखने नहीं बैठ जाएंगे, इस बात को समझिए, बहुत ज्यादा विशेषताएं लिखने आप नहीं बैठ जाएंगे, आप केवल और केवल जब बोला है केवल विभाजन करो ना, नहीं तो यही लिखता कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न भौतिक क्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न को समझिए थोड़ा सा, प्रश्न में ये कहीं नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के विशेषताओं का वर्णन कीजिए, प्रश्न की डिमांड है पहले तो भौतिक क्षेत्रों में विभाजन कर दो, है ना, और विभाजन करके उसका एक भौतिक क्षेत्र कौन सा है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, इसकी विशेषताओं को बता दो, इसकी विशेषताओं को बता दो। तो जब आप पहला पार्ट लिखेंगे तो पहला पार्ट में आपने बताया तो आपको विभाजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी क्षेत्र का विभाजन करते हैं, मान लो मैं कहूं ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसका विभाजन कर दो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे विभाजन मान लो आपने किया था, बताएंगे ना कि पहला क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, दूसरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, तीसरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, यही तो बताएंगे, विभाजन का यही मतलब है कि उसकी लगेंगे विशेषताएं बताने कि पहले क्षेत्र में दो ठो लाल बिंदु मिलते हैं, दूसरे क्षेत्र में दो ठो क्रॉस मिलता है, तीसरे क्षेत्र में ये सब मिलता है, ये तो बताएंगे नहीं, आप सिंपल सी बात है सीमाएं बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब विभाजन करेंगे भौतिक क्षेत्रों में तो आप लिखेंगे भाबर एवं तराई क्षेत्र, आप बताएंगे गंगा एवं जमुना के मैदान क्षेत्र, आप बताएंगे दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश। तो कुल मिलाकर उसमें आपको क्या लिखना है, केवल पहली तो उनकी सीमा रेखाएं कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो जैसे सहारनपुर से ये कुशीनगर तक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है, केवल इतना बना के अपने आपको सीमित रख लेना है। अगर आपको सीमा रेखाएं याद है कितनी इसकी चौड़ाई है, इतनी पतलाई है, ये नदी इसमें से बहती है, तो केवल उतने पे सीमित रखना है, न कि मृदा जलवायु इत्यादि के बारे में आप चर्चा करनी है। पहला कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखिए, विभाजन में सीमित उत्तर ही लिखना है हमें, मैप बना के विभाजन दिखाना है। दूसरी बात है हमें विशेषताएं कि भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताएं बताओ, तो भाबर एवं तराई क्षेत्र की विशेषताओं के लिए यहां पर आपको थोड़ा डिटेल में चर्चा करना पड़ेगा, यहां पर आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि यहां पर किस तरह की स्थलाकृति मिलती है, ठीक है, पहली तो स्थलाकृति पर चर्चा करनी है पहला, दूसरा पॉइंट आपको चर्चा करना है आपको मृदा वनस्पति, है ना, और तीसरी बात आपको चर्चा करनी है जलवायु, जलवायु और विशेषताओं में अगर हो पाए तो चौथा किसी पर्यावरणीय समस्या का उल्लेख, किसी समस्या मुख्यतः पर्यावरणीय समस्या का उल्लेख आपको करना है, ठीक है। तो ये अगर हमारा किसी फिजिकल रीजन की विशेषताएं पूछे तो ये मेजर आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए, एग्जाम के समय आपके दिमाग में ये पॉइंट्स आने चाहिए।